नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। आज 17 सितंबर साथियों, इस वीडियो में आज की शिक्षा विभाग और अन्य डिपार्टमेंट जुड़ी सभी बड़ी खबरें आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए जान लेते हैं आज की सभी बड़ी खबरें। यहाँ पर सबसे पहली अपडेट है, खुशखबर, रेलवे भर्ती में पदों के बढ़ने के आसार। अजमेर रेलवे की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे में विभिन्न पदों पर चल रही भर्ती परीक्षाओं में पदों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है। रेलवे बोर्ड के सीईओ की ओर से जारी निर्देशों के बाद उम्मीद बंधी है। एनटीपीसी की जेई और टेक्नीशियन की भर्ती में पदों की संख्या बढ़ सकती है। रेलवे बोर्ड के सीईओ सतीश कुमार की ओर से पत्र लिखकर निर्देशित किया गया कि रेलवे के नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जा रहा है और ट्रेनों के संचालन, संरक्षा और रखरखाव की आवश्यकताओं को देखते हुए अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता होगी। ऐसे में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए रेलवे को नए पदों का सृजन किए जाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। ये भी आप देख सकते हैं, इनमें बढ़ सकते हैं पद। इस पत्र के बाद माना जा रहा है कि अब एनटीपीसी टेक्नीशियन जेई की भर्ती में पदों की संख्या बढ़ सकती है। रेलवे की ओर से अब जल्द ही स्वीकृत पदों और रिक्त पदों का आकलन किया जाएगा। इसके बाद रेलवे की ओर से एनटीपीसी जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन की भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो आज की रेलवे संबंधित बड़ी अपडेट। और अगली खबर, आरपीएससी एक ही अफसर के दो आदेश। दिसंबर 20 में जो आयु सीमा में थे उन्हें दिसंबर 24 तक पात्र माना था, लेकिन अब कर दिया अपात्र। आरएस भर्ती में उम्र की छूट भला आरपीएससी, 50,000 से अधिक अभ्यर्थी अटके। यहां पर देख सकते हैं, कोरोना काल में सरकारी भर्तियां नहीं होने पर सितंबर 22 में कार्य विभागनी का आदेश जारी कर आयु सीमा में छूट दी थी। और इसमें इस पर लिखा था कि जो व्यक्ति 31/12/20 को आयु सीमा के भीतर था उसे 31/12/24 तक आयु सीमा के भीतर ही समझा जाएगा। इसके बाद कई भर्तियों में इस आदेश के तहत आयु सीमा में छूट भी दी गई, लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग हाल ही में इस आदेश को भूल गई है। आरपीसी की ओर से राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी RSRTS 24 की भर्ती विज्ञापन में कोरोना काल में दी गई अधिकतम आयु सीमा की छूट को हटा दिया गया है। और खास बात यह कि दोनों ही आदेश एक ही अफसर ने निकाले हैं। और सितंबर 22 में रामनिवास मेहता कार्य विभाग के संयुक्त सचिव थे, आयु सीमा छूट के आदेश उन्हीं के स्तर से जारी होते हैं, वर्तमान में भी वही सचिव हैं। तो इससे 50,000 से अधिक जो अभ्यर्थी हैं वो अटक जाएंगे अगर आयु सीमा में संशोधन नहीं किया गया। तो यह आदेश 2 सितंबर का और ये 23 सितंबर 22 का स्कूल शिक्षा भर्ती में किया था संशोधन, ये भी आप देख सकते हैं। आरपीएस ने संस्कृत शिक्षा विभाग की प्राध्यापक स्कूल शिक्षा की भर्ती के 25 जनवरी 24 को जारी विज्ञापन में भी कोरोना काल की आयु सीमा की छूट नहीं दी थी। इसके संबंध में समाचार प्रकाशित होने के बाद शुद्धि पत्र जारी किया गया था और अब आरएस भर्ती में चूक कर दी गई है, ये भी आप देख सकते हैं। अगली खबरों में, RS 24 पिछली बार आवेदन से एक दिन पहले ही जारी कर दिया था सिलेबस, आरपीएस ने अभी तक जारी नहीं किया सिलेबस, 19 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन। आरपीएससी द्वारा आरएस 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 19 सितंबर से शुरू की जा रही है और परीक्षा के लिए आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को इस बात का इंतजार है कि आयोग आवेदन से पहले सिलेबस जारी करेगा या फिर अभी समय लगेगा। कारण आरएस 23 की परीक्षा में आवेदन शुरू होने से एक दिन पहले ही सिलेबस जारी कर दिया था। इस बार अभी तक सिलेबस नहीं आने का अर्थ यह भी लगाया जा रहा है कि आयोग सिलेबस में कुछ बिंदुओं की समीक्षा करा रहा है। और आरएस परीक्षा 2024 दिव्यांगता 40% कम होने पर सीएमएचओ के प्रमाण पत्र के बाद ही मिलेगा श्रुत लेखक। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि आरएस 2024 परीक्षा में 40% से कम निष्क्ता की श्रेणी के मामले में सीएमएचओ के प्रमाण पत्र के बाद ही श्रुत लेखक उपलब्ध करवाया जाएगा। आगे इस संबंध में सोमवार को यानी कल शुद्धि पत्र जारी किया गया और इसकी अपडेट आप हमारे कल के वीडियो में दी गई थी, आयोग सचिव ने बताया है। और प्रदेश में इस बार 600 डॉक्टर अधिक होंगे तैयार, 39% तक बड़ी सीटों की संख्या। सीबीएसई 5 विषयों के 1500 रुपए शुल्क, नेपाल 5000 रुपए देना होगा। और प्राइवेट विद्यार्थी यहाँ पर परीक्षार्थियों के आवेदन कल से 9वीं और 11वीं रजिस्ट्रेशन की परीक्षा यहाँ पर प्रक्रिया भी शुरू होगी। संशोधन, यूजी और पीजी फाइनल की फीस 10 अक्टूबर तक जमा होगी। इसके अलावा प्री बीपीएड और प्री एमपीएड परीक्षा का रिजल्ट जारी। BMO यूनिवर्सिटी कोटा द्वारा आयोजित प्री बीपीएड और प्री एमपीएड परीक्षा 24 के परिणाम सोमवार को यानी कल जारी कर दिए। समान पात्रता परीक्षा सीटी 27 व 28 सितंबर को। राज्य में सीटी परीक्षा के लिए 13,26,036 अभ्यर्थियों ने कराया है पंजीयन।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से समान पात्रता परीक्षा 27 और 28 सितंबर को, परीक्षा दोनों दिन दो पारियों में ऑफलाइन मोड में करवाई जाएगी। इसके लिए राज्य के 25 जिलों में केंद्र बनाए गए और इस बार राज्य में सीटी परीक्षा के लिए 13,26,036 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया और हर पारी में करीब 103 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। पिछली बार सिटी ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के लिए 11,27,659 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया था और इस बार करीब 2 लाख अभ्यर्थियों ने अधिक पंजीयन कराया है। 10 से बढ़ाकर के 25 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और सहयोगिनी को नहीं माना जाता संविदा कर्मचारी, सरकार के हवाई वादों में अटकी 1,68,000 महिलाओं की पक्की नौकरी की गारंटी। चुनाव में हर सरकार करती नियमित करने का वादा। चुनाव में आधी आबादी के विभाग की गोर संभालने वाली महिला और बाल विकास विभाग की 1,68,000 से अधिक मानदेय कर्मचारी को नियमित होने का इंतजार है। इनकी पक्की सरकारी नौकरी विभाग के वादों में अटकी हुई। पिछली सरकार ने जहां संविदा कर्मचारी नियमित करने के लिए नमूना एक नया कानून बनाया, वही नई सरकार ने आते ही पुराने कानून को और आगे बढ़ा दिया, लेकिन इसमें महिला और बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहयोगिनी और सहायिका शामिल नहीं है। दरअसल इनके पीछे वजह है कि राज्य सरकार की ओर से अभी भी महिला और बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी केंद्र के कर्मचारियों को मानदेय कर्म यहाँ पर नहीं माना गया है। नियमों में हो संशोधन, ये भी आप देख सकते हैं। और अगली खबरें, खुशखबर, कम से कम 13,500 रुपए तक भुगतान का अनुमान, अगले साल बढ़ेगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का मानदेय, सरकार ने मांगा ब्यौरा। महिला और बाल विकास विभाग के अधीन आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यकर्ता और सहायिका का मानदेय बढ़ाने की तैयारी है। सरकार चाहती है कि इनका मानदेय कम से कम 13,500 रुपए तक हो। मानदेय मार्च अप्रैल में बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए विभाग से मानदेय आदि का ब्यौरा मांगा गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि सरकार पर कितने रुपए बढ़ाने पर कितना वित्तीय भार बढ़ेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जो मानदेय मिलता है वो नरेगा श्रमिकों से कुछ ही ज्यादा है। नरेगा श्रमिकों को 261 रुपए दैनिक यानी हर महीने 7,830 रुपए मिलते हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अधिकतम राशि 9,581 रुपए मिल रहे हैं। ये वर्षों से मानदेय कम से कम 13,000 से 14,000 रुपए तक करने की मांग कर रहे हैं। अगली खबरें, प्री प्रीपेड प्री एमपेड परीक्षा 2024 का परिणाम जारी। 3 गुना अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए चयन और समूह अनुदेशक, सर्वेयर, सहायक शिक्षुकता सलाहकार ग्रेड के लिए आवेदन आज से। कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग में समूह निदेशक, सर्वेयर, सहायक शिक्षुकता सलाहकार ग्रेड के 68 पदों के लिए अभ्यर्थी 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली खबरों में, अनुकंपा पर नियुक्त शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा लाभ नहीं देने पर मांगा जवाब। राजस्थान हाईकोर्ट ने अनुकंपा के जरिए नियुक्त हुए शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान और अन्य लाभ नहीं देने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। और अगली खबरों में, उच्च शिक्षा विभाग के प्रयासों से मान्यता का पेच सुलझा। कॉलेजों को 30 सितंबर तक लेनी होगी मान्यता। सरकारी कॉलेजों में बीबीए बीसीए की मान्यता के लिए एआईसीटीई ने खोला पोर्टल। विश्वविद्यालय से समता लेने के बाद पढ़ाई होगी शुरू और कॉन्स्टेबल भर्ती दक्षता परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। अगली खबरों में, कर्मचारी चयन बोर्ड, 25 सितंबर से 6 दिसंबर तक होगी प्रदेश में 3 बड़ी परीक्षाएं, 20 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। अगली खबरें, रेलवे अप्रेंटिस के 1679 पदों का नोटिफिकेशन, आज का इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं। तो साथियों, ये थी आज की सभी बड़ी खबरें। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। साथियों, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें। इसी प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।